फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, मेरे घर में एक गुलाब का पेड़ है जिसमें छोटा छोटा कीड़ा है। पता नहीं उस कीड़े का नाम मेरे को, लेकिन वो दिखने में बहुत ही अजीब है। जो छोटे छोटे टहनियों मतलब लकड़ियों के टुकड़े को अपने चारों तरफ शील्ड की तरफ कवर बना कर रहते हैं और इसी में अपना जीवन यापन करते हैं। दिखाता हूँ मैं आप लोगों को उस कीड़े के बारे में। और उस कीड़े को, अजीब सा कीड़ा है यार, मैं भी पहले बार देखा, चौंक गया कि ऐसा कीड़ा भी होता है। पहले भी जानता था लेकिन मेरे घर में ही इतना सारा कीड़ा है, ये मेरे को अभी पता चला और आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से बताऊंगा। भाई लोग तो वीडियो में बने रहो। ये देखो भाई लोग, ये पत्तियों को ही खाता है क्योंकि ये पेड़ में रहता है, इसलिए ये गुलाब का पेड़ में है। इसका जो लार्वा होता है ये बहुत ही मजबूत रहता है, जिससे लकड़ियों को बांध कर रखता है और जब ये आराम करता है तो उसी लार्वे से चिपका कर अपने आप को लटकाया रहता है। देख रहे हो बहुत सारा इधर भी है, छोटा छोटा बड़ा बड़ा किस तरह से लकड़ियों को चिपकाया हुआ है। देख रहे हो अपने लार्वे के द्वारा ये लटका हुआ है और जब ये शिकार पर जाएगा तब ये उसको काट कर उसमें टहनियों पर चलने लगेगा। ये देख रहे हो भाई लोग किस तरह से बहुत सारे कीड़े हैं। इसका नाम तो मुझे पता नहीं लेकिन ये बहुत ही रेयर प्रजाति का है, ये बहुत ही कम देखने को लिए मिलता है। शायद ही आप लोग कभी ऐसा कीड़ा देखे होंगे। शायद ये कीड़ा तो चल ही रहा है, देख रहे हो इसको मैंने टच किया तो ये किस तरह से पहले जैसा सेट हो गया। और ये एक मैं हाथ में ले लिया हूँ, देखते हैं इसको। ये देखो भाई लोग, ये यहाँ पर तो लटका हुआ, ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पर फड़ा हुआ है ना। ये अपने लार्वे के द्वारा लटका हुआ है यहाँ पर और बहुत सारे सभी, ऐसा लग रहा कि कोई फल है ना, हर जगह पर हर टहनियों पर है, मतलब बहुत सारा है यार। इधर इधर तो और बहुत सारा है, किस तरह से लकड़ियों के छोटे से टुकड़ा जैसा दिखाई दे रहा है लेकिन इसके अंदर कीड़े हैं बहुत सारे। शायद मेरे को कोई एक मिल जाए जिससे मैं अच्छा सा दिखा सकूँ आप लोगों को चलते हुए। शायद ये हिल रहा है, नहीं नहीं ये नहीं हिल रहा है, यहाँ पर भी नहीं है। शायद ये काक मिल जाए जो हिल रहा हो। अरे वाह, यहाँ पर मिल गया यार। ये देखो भाई लोग किस तरह से शील्ड के अंदर में ये छोटा सा कीड़ा है और ये चल रहा है, देखो। अरे वाह गजब यार, मतलब ये अपने लार्वे से पूरी तरह से लकड़ियों का पूरी तरह से कवच बना लेता है। शायद अगर मैं इसको, पता नहीं कि मैं यहाँ पर हूँ, अगर मेरे को यहाँ पर देख लेगा, यहाँ पर महसूस होगा इसको, तो पूरी तरह से ये अपने आप को कवर कर सकता है। देखते हैं इसको थोड़ा सा हाथ लगा कर कि ये क्या रिएक्शन करता है। तो ये देखो भाई लोग, इसको आभास हुआ जैसे ही कि यहाँ पर कुछ खतरा महसूस हुआ है ना, तो अपने आप को पूरी तरह से जकड़ लिया, जैसा कि बहुत सारा वहाँ पर कीड़ा है वैसे ही। तो ये देखो सारा कीड़ा है। तो चलो भाई लोग, एक कीड़े को मैं हाथ में ले लेता हूँ और बताता हूँ आप लोगों को उसके अंदर में कैसे कीड़ा रहता है और चारों तरफ में लकड़ियों का कवर कैसे लगा है। तो भाई लोग वीडियो में बने रहो। लोग क्या आप लोग भी इसके अंदर के कीड़े को देखना चाहेंगे? मैं भी देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर का कीड़ा कैसा है। शायद ये देखो, ये थोड़ा थोड़ा बाहर आ रहा है, ये देखो। अरे वाह, दिखाने का नाम लिया और ये खुद बाहर आ रहा है भाई लोग। तो मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसके अंदर में कैसा कीड़ा है। बहुत ही रेयर प्रजाति का कीड़ा है यार ये। ये देखो बहुत ही कम पाया जाता है ऐसा कीड़ा, और शायद ही आप लोग कभी देखे होंगे ऐसा कीड़ा, है ना। तो दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत है क्योंकि अपने लार्वे से पूरी तरह से इसको जकड़ लिया है इस लकड़ी को, और लकड़ी का एक खोल की तरह बनाकर अपने को सुरक्षा प्रदान करता है, उसी में अपना जीवन यापन करता है। तो शायद अगर मैं इसको खोलने का ज़्यादा प्रयास करूँगा तो ये मर जाएगा। तो भाई इसके अंदर कीड़ा है, किसी का घर उजाड़ना मेरे को भी अच्छा नहीं लगता, तो मैं पेड़ में कर देता हूँ इसको क्योंकि ये ज़िंदा रहे। अगर इसको बाहर निकाल दूँगा तो ये बेघर हो जाएगा, बेचारा मर जाएगा, है ना। तो किसी का घर छीनना बहुत ही गंदी बात है ना। तो इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ उसके। ये देखो भाई लोग, इसको निकालने का कोशिश करूँगा, देख रहे हो कितना जोर लगा रहा हूँ फिर भी ये नहीं निकल रहा है, क्योंकि ये छोटा छोटा लकड़ी के टुकड़े कितना मजबूती से बांधा हुआ है। इसका लार्वा बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। तो भाई लोग वीडियो में अगर आपको कुछ नया देखने के लिए मिला होगा तो भाई लोग वीडियो को लाइक कीजिए,
कमेंट कीजिए, इसका नाम ज़रूर बताइएगा। तो भाई लोग चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देख रहे हो भाई लोग कितना सुंदर से फला हुआ ऐसा दिख रहा है, पत्ते को खा रहा है।